गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें आपने कुल 5 क्वेश्चनों को पढ़ा था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। इफ सर्क्यूफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 डायग्राम है, वन इज सर्किल एंड अदर इज स्क्वायर। ये देखो हमारे पास 2 डायग्राम हो गए। इसकी मान लो हमारे पास रेडियस क्या है, आर सेंटीमीटर है, और इसकी मान लो हमारे पास यहाँ पर साइड क्या है, ए सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको आप मीटर में मान लो, क्योंकि आपका मान मीटर में ही है, तो ये आर मीटर मान लो, इसको मान लो आप ए मीटर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर शुरुआत में क्या दिया गया है, देखो एक तो इन दोनों की सर्क्यूफ्रेंस में आपको रिलेशन दिया गया है, और एक आपको इसका एरिया दिया गया है। तो पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल रिलेशन है, पहले वो काम में लेंगे यहाँ पर, यानी एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, और हमारे पास कितना आ रहा है, 484 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इक्वल आ रहा है 484, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ए का मान आ जाएगा 484 का रूट, और यानी ए मेरे पास आ गया 22 मीटर। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड कर ली, इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो आपने फाइंड कर ली है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रिलेशन आपके पास है वो क्या आ रहा है, दोनों का इनका पेरीमीटर इक्वल आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास सर्क्यूम फ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल आ रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपको एक रिलेशन और दिया गया। अब इसके हिसाब से ये तो हो गया हमारे पास 2πr, और वो हो गया 4a। 2 × 22.7 रेडियस फाइंड करनी है आपको, 4 × a। अब देखो अभी आपने a फाइंड किया था 22, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r आएगा 4 × 22 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये इसके आ गया डिवाइड में। अभी और कट इससे, ये और इससे 2 टाइम, और आर आ रहा मेरे पास 2 × 7, यानी आर आ रहा है 14 मीटर। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसकी रेडियस प्राप्त कर ली है, लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ ए सर्किल निकालना है। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ए सर्किल जो क्या हो गया, पाई आर ए स्क्वायर, यानी 22/7, और रेडियस का मान आ रहा है 14 × 14, 244 × 14, 56 and 61 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इसका सर्किल का एरिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड इज 24 रुपीज पर मीटर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 5280 रुपीज, इफ प्लोविंग रेट ऑफ फील्ड इज 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोविंग द फील्ड। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कुलर फील्ड है, जो फेंसिंग का हम कार्य करते हैं वो इसके सर्क्यूफ्रेंस पर करते हैं, और जो प्लोविंग का कार्य वो हम क्या करते हैं, इसके इन साइड में करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो देखो पेर मीटर की फेंसिंग की रेट है वो 24 रुपीज है, और टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास कितनी, 5280 रुपीज आ रही है। तो इसमें पहले आप इसकी लेंथ ऑफ फेंस आप फाइंड कर लेंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा पहले, यानी पेर मीटर फेंसिंग कॉस्ट इक्वल आ रही है मेरे पास 24 रुपीज, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये मेरे पास आ रही है कितनी, 5280। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, किसकी, जो फेंस है उसकी, यानी आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ फेंस, या इसको आप मान सकते हैं कि आप क्या निकाल रहे हो, आप सर्क्यूम्फ्रेंस निकाल रहे हो, आप सर्क्यूम्फ्रेंस। और ये कैसे निकलेगी, आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें आपको डिवाइड करना किसका, पेर मीटर कॉस्ट का। जब आप टोटल कॉस्ट में पेर मीटर कॉस्ट का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस।
तो देखो हमारे पास सर्कमफेरेंस का वैल्यू भी आ गई है, सर्कमफेरेंस यानी 5280 अपॉन में आ रहे हैं 24। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 220 मीटर। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर ली, इसकी सर्कमफेरेंस है वो प्राप्त कर ली है। अब देखिए सर्कमफेरेंस से आप इसकी रेडियस भी निकाल सकते हो, तो सर्कमफेरेंस का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब यहाँ इसकी जरूरत तो नहीं है आपको, अभी आ रहा है मेरे पास 22/7 × r, उधर आ रहा है मेरे पास 220। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहेगा 220 × 7 अपॉन में आ रहा है 2 × 22। जब इसको आप सोल्व करोगे आगे 10 टाइम और ये 5 टाइम, तो आर आ गया 5 × 7 आर इक्वल 35 मीटर। तो ये आपने क्या निकाली, इसकी रेडियस। लेकिन आपको इसकी प्लॉबिंग कॉस्ट निकालनी है, तो प्लॉबिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले। यानी आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड जो हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 × रेडियस आ रही 35 × 35। इसको सॉल्व करो 5 टाइम, ये आ गया 110 × 35 और ये मेरे पास आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इसका जो एरिया है वो प्राप्त कर लिया। लेकिन आपको क्या निकालनी है, प्लॉबिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो आप लिखोगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्लॉबिंग फील्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल मेरे पास क्या रहा है 0.50 रुपीज आ रहा है। तो लिखोगे सो दैट कॉस्ट ऑफ प्लॉबिंग फील्ड ऑफ 3850 मीटर स्क्वायर इक्वल, इसको आप इसे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 19.25 रुपीज। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसकी जो टोटल कॉस्ट है प्लॉबिंग की वो आ गई है 19.25 रुपीज। तो ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी बात कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 35 मीटर, देयर आर 7 मीटर वाइड पथ अराउंड इट, और यहाँ पर अराउंड इसके मतलब ये बाहर की बात करें आप, और देन फाइंड एरिया ऑफ ए पथ। और अब देखो इसमें क्या करना, आपको अराउंड आउट इट कर लो आप, यहाँ पर अराउंड आउट इट। अब देखिए यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या कोई सर्कुलर पार्क आ रही है, ये मान लो सर्कुलर पार्क हो गया और उसकी रेडियस आ रही है कितनी 35 मीटर। अब देखो इसके अराउंड इट क्या आ रहा है, ये 7 मीटर वाइड पथ आ रहा है। ध्यान रखना अगर इसके अराउंड इन इट ना होता तो आपको इसके अंदर बनाना था, लेकिन अराउंड आउट इट है तो आपको कमाना है इसके बाहर बनाना है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 7 मीटर वाइड पथ हो गया। अब आपको इस पथ का क्या निकालना है, एरिया वो फाइंड करना है। तो ये मतलब आपको एरिया वो फाइंड करना है। तो देखिए इस पथ के लिए आपके पास आर वन आर टू दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो सबसे पहले आर वन क्या हो गया हमारे पास, आर वन जो हमारे पास ये एक्सटर्नल सर्किल है उसकी रेडियस होगी, यानी आर वन तो हमारे पास आ गया 42 मीटर, क्योंकि 35 यहाँ तक का हो गया, 7 ये हो गया और ये आपके पास क्या होगा 42 मीटर। जबकि जो आर टू है वो आपके पास पहले से कितना आ रहा है, 35 मीटर आ रहा है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर आर वन तो है मेरे पास यानी 35 + 7 यानी 42 मीटर, और आर टू मेरे पास क्या रहा है 35 मीटर। अब आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पथ। एरिया ऑफ पथ के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका वो टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बिटवीन का एरिया निकालने वाला बन रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 22/7 लेना है, जबकि आर वन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 42 का स्क्वायर और ये आ रहा 35 का स्क्वायर। अब इसको देखो अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो देखो मैं इसको आपको यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपके पास ये 22/7 तो रहेगा सेम, इसमें आप ए प्लस बी ए माइनस बी का रूल लगा सकते हो, जिससे आपका 42 + 35 हो गया और 42 माइनस हो गया 35। उसके बाद में ये तो आ रहा सेम, और इसको आपने क्या लिख दिया 77, और इसको आपने क्या लिख दिया 7। अब ये जो 7 है वो इस हो जाएगा कैंसिल। अब आपको क्या करना है, 22 को 77 से करना है मल्टीपल। तो देखिए जैसे आप इसको मल्टीपल कराओगे तो आप देखो इसको इस तरह से मल्टीपल कर सकते हो,
14 और 15, 14 और 15, तो मान आ गया हमारे पास 4961, यानी 1694 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो पथ है उसका आपने एरिया प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो प्यारे बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखो इसमें आपका ये बिल्कुल न्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या है, R1 तो आ रहा है कैपिटल R और R2 आ रहा है स्मॉल R। तो आपको लिखना है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आपको यहाँ पाई सेम रखना है, ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, यानी आएगा पाई R प्लस R और R माइनस R। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आगे। इसमें आ रहा R1 का मान 4 सेंटीमीटर, R2 आ रहा है 3 सेंटीमीटर। आपको वैसे टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बिटवीन का एरिया निकालना है। तो R1 तो है 4 सेंटीमीटर, R2 है 3 सेंटीमीटर, और आपको लिखना है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इसके लिए आप फिर से अपना वही रूल काम लेंगे, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 22/7, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो ये तो आ रहा सेम, ये 16-9 यानी इन टू मारा 7 कर दे इसको, और ये आएगा मेरे पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब देखो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी 15.1 है, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आर 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंड ऑन सेंटर इज आर 60 डिग्री, देन फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। इसमें देखो हमारे पास क्या है, जो रेडियस है उसका मान तो 7 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है इसका 60 डिग्री। और अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको अलग से फॉर्मूला लिखवा रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr ही होता है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 60/360 इंटू 2×22/7, और रेडियस का मान आ रहा है मेरे पास 7। अब देखो इनको पहले आप कट कर लो, 0 ये से 6 टाइम, ये इससे कट रहा है 3 टाइम, और ये हो रहा है कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 22/3 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क है तो ये केवल क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब देखो उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो उसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आर 10.5 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू तो मेरे पास आ रही है 10.5 सेंटीमीटर, और जो इसका थीटा वो कितना आ रहा, 45 डिग्री आ रहा है। तो थीटा आ गया मेरे पास कितना, 45 डिग्री। और इसमें आपको फाइंड करना है देन फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला काम लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको सारी वैल्यू रखनी है, तो थीटा तो हमारे पास कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, अपॉन में 360 इंटू 22/7, और रेडियस का मान है 10.5 इंटू 10.5। देखो पहले आप इनको कट कर लो, अभी इससे कट रहा है ये 8 टाइम, अब 2 से कट रहा है ये 4 टाइम, ये 11 टाइम, और ये 1.5 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन में आ रहा है 4। अब देखो पहले क्या करना है, पहले हम 11 को सेम रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 15/75 और 15/15 अपॉन में आ रहा है 4। अब देखो इनको वापस मल्टीप्लाई करना दोनों को, तो 11/55 कैरी 5, 82 कैरी 8, और 55 और 8 हो गए 3 कैरी 6, और ये आ गया 17। पॉइंट लगाना आपको यहाँ। अब इसमें आप डिवाइड कर दो 4 का, तो पहले हो रहा है 4 times 16, 13, 3 times 12 है, फिर 0.1, 2 और 3, फिर 1 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया अभी, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये 43 है, ठीक है ना, ये 43.31 है। अब उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें लिखा है इफ लेंथ ऑफ ए आर्क इज आर 12 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास एल तो आ रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस का मान मेरे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फिर से आप अपना रूल लगाओगे,
एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, और ध्यान रखना माइनर सेक्टर का जो एरिया निकालते हैं तो यहां पर आपको 1/L(R) वाला अपना फॉर्मूला काम में लेना है। वो फॉर्मूला तो कब काम लेंगे, जब आपको थीटा और आर की वैल्यू पता हो तब वो काम लेंगे, जब आपको एल और आर की वैल्यू पता हो तब आप ये काम लेंगे। अब इसमें आप देखो सारी वैल्यू रखो तो 1/2, एल तो मेरे पास आ रहा है 12 है और यार मेरे पास 7। अब देखो जब आप इसको 2 से कट करोगे तो ये 6 टाइम हो गया, यानी 6 × 7 मेरे पास आ गया 42 cm². तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी घर से ट्राई करके आओगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।